साल के आखिरी महीने में जी सिनेमा की तरफ से साउथ की कई जबरदस्त हिंदी डब फिल्मों का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर देखने को मिला है, पर हमें वो बड़ी फिल्में देखने को नहीं मिली जिनका इंतजार हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। पर उम्मीद करते हैं कि 2022 में हम सबको वो बड़ी फिल्में देखने को मिले। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन इसे खेलने के लिए विश्वास करना पड़ता है, इससे कुछ भी होने का चांसेस है। हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको जी सिनेमा की तरफ से प्रीमियर की गई 5 ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो क्राइम थ्रिलर पर बनी है और आखिरी तक आपको उलझा कर रखेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में बताई गई फिल्में एक से बढ़कर एक है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये फिल्में YouTube पर अवेलेबल है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नंबर 5 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म मिरुगा। फिल्म के लीड रोल में थे श्रीकांत और राय लक्ष्मी। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म में कोटागिरी में वन अधिकारी एक आदमखोर बाघ का शिकार करते हैं जो निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो घनी अविवाहित महिलाओं के लिए एक सीरियल किलर की तलाश की जाती है। फिल्म की कहानी में आगे क्या होता है इसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। मिरुगा फिल्म को IMDb पर 10 में से 4.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन का प्रीमियर 9 दिसंबर रात 9 बजे मिरुगा नाम से ही किया गया था और अभी ये फिल्म ऑफिशियली तो नहीं पर अनऑफिशियली उपलब्ध हो चुकी है। नंबर 4, त्रिशूर पूरम साल 2019 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की एक्शन क्राइम फिल्म है जिसमें जया सूर्या और स्वाति रेड्डी लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि पुल्लूगिरी एक पारिवारिक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करता है और अपने क्रिमिनल अतीत को भूल जाना चाहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने घर में हुई एक घटना के कारण वापस क्रिमिनल बनकर जेल में फंस जाता है। फिल्म की कहानी में आगे क्या होता है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप एक्शन क्राइम फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए। त्रिशूर पूरम फिल्म को IMDb पर 10 में से 5 की रेटिंग हासिल है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन का प्रीमियर 18 दिसंबर को रात 9 बजे द रियल डॉन रिटर्न्स 2 नाम से किया गया था और अभी ये फिल्म ऑफिशियली उपलब्ध हो चुकी है। नंबर 3, साल 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म पंचराक्षरम। फिल्म के लीड रोल में थे संतोष प्रताप, गोकुल आनंद, अश्विन जेरोम, मधुशालिनी एंड सना अल्ताफ। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में रीडर की भविष्य की भविष्यवाणी करने वाली एक प्राचीन बुरी किताब पर 5 दोस्तों का हाथ है। दोस्तों, कहानी में तब मजा आता है जब ये 5 दोस्त फिल्म में दिखाई गई सभी चुनौतियों को कैसे पार करते हैं और अपने क्रूर भाग्य को कैसे बदलते हैं। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पंचराक्षरम फिल्म को IMDb पर 10 में से 6 की रेटिंग मिली हुई है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन का प्रीमियर 15 दिसंबर शाम 6:30 बजे पंचराक्षरम नाम से ही किया गया था और अब ये फिल्म अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 2, 7 फरवरी 2020 को रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर फिल्म जेंटलमैन, स्टेरिंग प्रज्वल देवराज, निस्विका नायडू और संचारी विजय। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म का हीरो भरत कुमार एक परेशानी से जूझ रहा है और वहीं फिल्म की हीरोइन को अपने हीरो से प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों कई समस्याओं का सामना करते हैं और ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7 की शानदार रेटिंग हासिल है। फिल्म के हिंदी वर्जन को 16 दिसंबर रात 9 बजे जी सिनेमा पर जेंटलमैन नाम से ही प्रीमियर किया गया था और ये फिल्म अब ऑफिशियली उपलब्ध हो चुकी है। इस लिस्ट की पहली फिल्म है ओप्पम। इस फिल्म को 8 सितंबर 2016 को मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। फिल्म की मुख्य भूमिका में मोहनलाल, अनुश्री, बेबी मीनाक्षी और समुद्र कानी नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आप इस फिल्म का एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम फिल्म को एक्सप्लेन करें। ओपम फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.4 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है और आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। फिल्म के हिंदी वर्जन को 20 दिसंबर रात 9 बजे जी सिनेमा पर प्रेम विटनेस नाम से प्रीमियर किया गया था और फाइनली ये फिल्म अब उपलब्ध हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी साउथ की 5 बेहतरीन फिल्में जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए और इन सभी फिल्मों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।